नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा में अघोषित बिजली कटौती को लेकर भाजपा नेताओं द्वारा विशाल चुन्नी यात्रा निकाली गई, जिसका मुख्य उद्देश्य गांव और शहरों में जो निरंतर बिजली की कटौती हो रही है, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, हाई टेम्परेचर है और इस बीच ये अघोषित बिजली की कटौती कर रहे हैं, जिससे सभी बहुत परेशान हैं। जब हमारे संवाददाता ललित रघुवंशी ने भाजपा नेताओं से बात की तो उनका क्या कुछ कहना था, आप इस न्यूज़ के माध्यम से जान सकते हैं। 2003 के पहले जो नारा चलता था कांग्रेस सरकार के खिलाफ, वही 2003 के बाद 2018-19 में फिर कांग्रेसी सरकार ने वही शुरुआत कर दी है। जो भारतीय जनता पार्टी की शासनकाल के समय 24 घंटे बिजली मिल रही थी, कांग्रेस सरकार ने आते ही वो बिजली पता नहीं कहाँ गोल कर दी। मध्य प्रदेश के कांग्रेस शासनकाल में विद्युत मंडल को बर्बाद करने वाले, विद्युत मंडल को बर्बादी के रास्ते में ले जाने वाले आज प्रदेश के मुखिया बने हैं। फास्ट समाचार के लिए छिंदवाड़ा से ललित रघुवंशी की रिपोर्ट।